की हॉस्पिटल से तो दिल्ली चला गया था, दिल्ली है मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को किया है वो जांच कर जांच होगी, उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं परिजनों के साथ मतलब विनय श्रीवास्तव आपके साथ है, हम भी नहीं सकते मैं खाना वगैरह खाया, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है, इसमें गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज हम लोग जांच करेंगे कि मैटर में क्या हुआ, किस तरह से गोली चली। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया था। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां आप कहीं नहीं सुरक्षित हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हो और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है और उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब अपराधी बन गए हैं और उनको लाइसेंस दिया है योगी सरकार ने। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या है, गुंडों की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। और सर, जिस तरीके से कौशल किशोर के बेटे के घर पे हत्या हुई है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहती है? दिल्ली में मंत्री कहता है गोली मारो गाली देकर, मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद के मार देता है, और अब लखनऊ की घटना ने तो एकदम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से मंत्री के घर में मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरक्षित है खुद सरकार बता दे। जब मंत्री के घर में हत्या हो जाती है, मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या हुई पुलिस मान रही है, तो मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित भी है, कानून का राज है भी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज भाषणों में है, होर्डिंग और पोस्टरों में है, हकीकत में घटनाएं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। मुझे साजिश है, मेरे भाई को मारा गया है, मेरे भाई की हत्या की गई है, बस मैं इतना ही कहूंगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता है? ये कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपना पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था, उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जेजेस में था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए, सब कुछ ये सोची सजी साजिश है। और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई क्यों मारा। किस कंडीशन में कहां लगी, क्या कोई शक नहीं है, कोई आत्महत्या? जी गोली को आत्महत्या करता है तो जहाँ पर कहीं किसी में आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे घर का लीडर था, मेरे तीनों भाइयों मेरी माँ का लीडर था, वो कभी भी अपने आप को कुछ ऐसा नहीं कर सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।